इन डिफरेंट ऑपरेशन बेशक वो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स के हवाले से है बेशक वो ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर्स के हवाले से है किसी भी हवाले से किसी भी परस्पेक्टिव में एक रिटेलर के पास अगर कोई भी किसी भी तरह के एक्सपेंसिज है अगर आप यू यू स्पेंड विदाउट प्रॉपर प्लानिंग विदाउट प्रॉपर फोर्सिंग द फ्यूचर रिजल्टेंटली क्या होगा ये वो पैसा है जो आपने स्पेंड कर दिया है और जब आपने इस पैसे को स्पेंड कर दिया है तो एक्चुअली इसने आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को इफ़ेक्ट किया है आपके पी एन एल को इफेक्ट किया है अब आपको इस पैसे को कमाना पड़ेगा यू हैव टू अर्न इट तो वो जो पैसा आप एक्चुअली सेव कर रहे होते हैं आपको वो कमाना नहीं पड़ता से अगर आपके पास हंड्रेड मिलियन रुपीज़ के एक्सपेंसिस यू हैव डन और यू वॉन्ट टू डू इट इन दिस ईयर फॉर एग्ज़ाम्पल लेकिन एक्चुअली अगर आप 80 मिलियन से स्पेंड कर देते हैं खर्च कर देते हैं तो आपने जो 20 मिलियन सेव किया है ये वो अमाउंट है कि जो कि अगर एक्सपेंस आउट होनी थी तो अकॉर्डिंगली आपको फिर इसको अर्न बैक करना पड़ता और ज़्यादा बिजनेस को जनरेट करके सो so ये अमाउंट आपने अर्न कर लिया बिकॉज आपने इस अमाउंट को सेव कर लिया तो so जो टिप इसके अंदर हमारे पास है वो ये है कि वेन यू आर यू आर गोइंग टू प्लान योर एक्सपेंसिस यू आर गोइंग टू प्लान योर कॉस्ट तो यू नीड टू बी वेरी इफेक्टिव वो तमाम कॉस्ट वो तमाम एक्सपेंडिचर्स वो तमाम एक्सपेंसिस जो कि आपने प्लान किए हैं उन तमाम को देर हैज़ टू बी प्रॉपर लॉजिक प्रॉपर रैशनैल प्रॉपर रीजन फॉर इट अदरवाइज यू डोंट नीड टू स्पेंड इट अगर आपको कोई आइडिया देता है कि अगर आपका रिटेल स्टोर लट से इसकी छत जो है इसकी रूफ़ जो है वो प्रॉपर अगर आप लट से शीशे की करवा लेते हैं तो बहुत खूबसूरत लगेगा सो डू यू रियली थिंक कि वो खूबसूरत छत जो है इट कैन क्रिएट सम वैल्यू फॉर द कस्टमर और इट कैन क्रिएट सम वैल्यू टू द इन्वायरमेंट ऑफ द स्टोर

या फिर अगर हम बात करते हैं स्टोर की ओवरऑल अपीयरेंस के हवाले से या हम बात करते हैं किसी इंडिविजुअल की अपीयरेंस के हवाले से एक रिटेल स्टोर के स्टाफ की अपीयरेंस के हवाले से और एक ओवरऑल रिटेल स्टोर की अपीयरेंस के हवाले से सारे परस्पेक्टिव में ऑफ़ कोर्स डज मैटर क्योंकि एक कस्टमर को जो चीज़ विजिबल है कस्टमर के सारा कुछ वही है इनविजिबल चीज़ें ही कैन नॉट सी एज़ ए कस्टमर सो so, आपको क्या करना है यू नीड टू इम्प्रूव किसी ना किसी तरीके से अपनी टीम के अपेरेंस को जो स्टाफ स्टोर में काम कर रहा है उनकी अपेयरेंस को ओवरऑल स्टोर की अपेयरेंस को हाउ द प्रोडक्ट्स लुक लाइक चीज़ें किस तरीके से रखी होनी चाहिए जस्ट गिव टेक अ कंपेरिजन एक कराना स्टोर के ऊपर रखी हुई चीज़ों की अपेयरेंस और एक अच्छे मॉल में रखी हुई चीज़ों की अपेयरेंस डू यू थिंक देर इज़ अ डिफरेंस इफ़ यू थिंक येस ऑफ कोर्स कौन सी चीज़ों के अंदर इट विल मोर क्रिएट अपील टू यू क्या एक किराना स्टोर में रखी हुई चीज़ें आपके लिए ज़्यादा अपील क्रिएट करती हैं या एक अच्छे रिटेल स्टोर में ऑर्गेनाइज तरीके से रखी हुई चीज़ें आपको ज़्यादा अपील करती हैं आपको ज़्यादा मोटिवेट करती है चीज़ों को बाय करने के लिए तो ऑफ़कोर्स आंसर इज ऑलरेडी विद यू यू ऑलरेडी नो इट कि ऑफकोर्स क्या आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करता है आपको क्या ज़्यादा अपील करता है सो अपियरेंस ऑफ द प्रोडक्ट बेशक वो पैकेजिंग के हवाले से बात में कर रहा हूँ अपीयरेंस ऑफ द रिटेल स्टोर ओवरऑल रिटेल स्टोर की बात कर रहा हूँ या अपेरेंस ऑफ द रिटेल स्टोर स्टाफ ये मैं इम्प्लॉइज के परस्पेक्टिव में बात कर रहा हूँ तीनों चीज़ों के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है द अपीयरेंस फैक्टर वट्स एवर इज़ एन आउटलुक ऑफ अ स्टोर इट मैटर्स टू द कस्टमर इफ एन आउटलुक इज़ वेरी अट्रैक्टिव इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ सर्विस इन टर्म्स ऑफ पैकेजिंग इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल आउटलुक ओवर ऑल इन्वायरमेंट ऑफ द स्टोर ऑफकोर्स इट विल जनरेट मोर रेवेन्यू रिसर्च बहुत सारी जगहों के ऊपर इस पॉइंट को सेकंड करती है कि दिस इज वन ऑफ द की फैक्टर्स कि कस्टमर को जो दिखता है अल्टीमेटली वही बिकता है विच मींस इफ इट इज मोर अपीलिंग टू द कस्टमर द अपेयरेंस इज मोर अट्रैक्टिव टू द कस्टमर ऑफकोर्स कस्टमर विल बाय दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट नेक्स्ट हम टिप की तरफ आते हैं विच इज वेरी इंपॉर्टेंट गेट योर पीपल इन्वॉल्व गेट यूर स्टाफ इन्वॉल्व गेट योर इम्प्लॉज़ इन्वॉल्व ये वो लोग हैं जो कि आपके साथ स्टोर पे काम करते हैं अच्छा बहुत इम्पॉर्टेंट बात समझने के लिए हमेशा ये है कि बेशक वो आपके स्टोर में काम करने वाला एक क्लीनिंग का बॉय हो क्लीनिंग ऑफिसर हो एक सिक्योरिटी का स्टाफ हो या एक स्टोर का एसोसिएट हो काम करने वाला या वो एक कैशियर हो या वो एक सुपरवाइजर हो या वो एक असटेंट मैनेजर हो या वो एक मैनेजर हो या वो एक टीम लीडर हो कोई भी शख्स जो कि आपके स्टोर का हिस्सा है यू नीड टू गेट देम इन्वॉल्व अगर आप उनको इन्वॉल्व नहीं करेंगे तो इस केस के अंदर वो तमाम लोग किसी भी डिसीजन को ओन नहीं करेंगे किसी भी डिसीजन को ओन करवाने के लिए द बेस्ट पार्ट इज़ यू नीड टू गेट दैम इन्वॉल्व क्योंकि अगर एज अ मैनेजर यू सिंपली इम्पोज योर डिसीजन ऑफकोर्स दे हैव टू डू हैव टू फॉलो दैट डिसीजन लेकिन रिजल्टेंटली दे नॉट ओन इट दिल से वो काम नहीं करेंगे जब वो दिल से ये काम नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली वो रिज़ल्ट नहीं आएंगे जो आपने पेपर्स के ऊपर प्लान किए हैं जो आपने बुक्स पे प्लान किए हैं वो तभी आएंगे जब वो उसी तरीके से जिस तरीके से आप उसको ओन करते हैं आपका स्टाफ भी ओन करता है अगर वो करेगा अल्टीमेटली आप एज ए रिटेलर आप एज ए लीडर ऑफ दैट रिटेल स्टोर ऑटोमेटिकली आप जो है वो अपने आउटकम्स अचीव कर सकेंगे वो प्रोडक्टिविटी अचीव कर सकेंगे वो आउटपुट अचीव कर सकेंगे जो कि आपने बुक्स में प्लान किया है जो कि आपने पेपर्स में प्लान किया है तभी वो अचीव कर सकेंगे जब आपकी टीम आपके साथ इन्वॉल्व है एक बात हमेशा याद रखें अगर टीम आपके साथ इन्वॉल्व रहेगी टीम इंगेज रहेगी टीम कनेक्ट रहेगी ऑटोमेटिकली आपका कस्टमर भी आपके साथ एंगेज रहेगा कनेक्ट रहेगा इन्वॉल्व रहेगा क्योंकि एक एम्प्लॉई जो कि खुद डिस्टर्ब है अगर वो कस्टमर से बात करेगा ही विल मेक कस्टमर अनोइंग कस्टमर अनॉयड होगा अल्टीमेटली यू विल लूज दैट कस्टमर आपको नहीं पता यू आर सिटिंग इन यूर रूम एज द ऑनर ऑफ़ दैट रिटेल स्टोर और एज ए लीडर ऑफ दैट रिटेल स्टोर जो ग्राउंड के ऊपर रियलिटी है वो एक रिटेल स्टार ही रिटेल स्टाफ ही कस्टमर को डील कर रहा है जब वो कस्टमर को डील करेगा ओन करता होगा ही विल सेल दीज प्रोडक्ट्स लाइक ही वॉन्ट टू सेल फॉर हिमसेल्फ सेल्फ लेट्स ही वॉन्ट टू बाय फॉर हिमसेल्फ लेट्स ई वॉन्ट टू कन्विंस फॉर हिमसेल्स सारी बातों के अंदर वो एक्चुअली खुद ओन करेगा तो देन कभी तभी वो रिजल्ट आ सकेंगे जो रिजल्ट वो एक्सपेक्ट करता है उस बिजनेस से जो कि उसका अपना बिजनेस है या वो रिटेल स्टोर का बिजनेस है